हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बोट नेक प्रिंसेस स्कर्ट ब्लाउज की कटिंग, जिसकी लंबाई 13.5 इंच की रहेगी, चेस्ट 34 इंच, कमर 28, शोल्डर जो है 14 इंच है, और गला इसमें दोनों तरफ बोट नेक रहेगा। शोल्डर जो है पुराने ब्लाउज के नाम से लिया गया है और ये कंप्लीट जो मेजरमेंट है वो एक पुराने ब्लाउज का है। अभी हम लोग इसकी कटिंग किस प्रकार से करेंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना, ये जो मेजरमेंट है इसको साइड करते हैं हम। इसमें हम लोग प्रिंसेस कट बनाना है तो सबसे पहले पीछे पल्ले की कटिंग को कर लेते हैं। पीछे पल्ला और आगे पल्ला दोनों अलग अलग काटेंगे, इस तरह से रखना है। ये देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा निशान जैसे ही लिए उसके बाद लेंथ नापना है। तो 13.5 अगर आपको लेंथ चाहिए तो 14.5 का निशान लगाओगे, ठीक है। ये निशान दो जगह पर लगाना है आपको इस प्रकार से, और दोनों जगह पर ये निशान लगाने के बाद आपको इस प्रकार से ये निशान जो है आगे बढ़ा लेना है। यहीं पर हम क्या करेंगे, शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। अब शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए, जैसे 14 इंच है पुराने ब्लाउज के नाप पर, तो 1 इंच का मार्जिन लेंगे और टोटल 15 करके, हाफ करके 7.5 पर आपको निशान लगा लेना है। ये इस प्रकार से एक जगह पर ये निशान हो गया, उसके बाद आ जाएंगे नीचे दूसरी जगह पर, यहाँ पर निशान लगाना है। दोनों निशानों को वापस से इस तरह से आपको मिलाना है। ये जो निशान है ये आर्म होल का आपका सीधा निशान होता है, तो यहाँ पर आपको आर्म होल मेज़र करना रहता है। लेकिन जब भी आप बोट नेक वगैरह बनाएंगे तो आर्म होल को बाद में मेज़र करना, पहले क्या मेज़र करोगे, गला। गला यहाँ पर हम लगभग रख लेते हैं 4.25 इंच का, ये आपकी चौड़ाई है गले की। और उसके बाद बाकी जो बचा हुआ शोल्डर है उसको स्लोप देंगे आर्म होल की साइड में, ठीक है। कितना स्लोप देंगे, 1/2 इंच दे देंगे इस तरह से, और स्केल से इस निशान को हल्का सा डाउन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मेज़र करेंगे आर्म होल के, 34 चेस्ट है, आमतौर पे 5.5-5.5 इंच पर आपके निशान लेते हैं, और इसको इस प्रकार से जो है सीधा आगे बढ़ाना है। लेकिन ध्यान देना, जो जैसे मैंने कहा 5.5 या 5.5, वो कहाँ से नापना है, डाउन वाले निशान से नापना है, ठीक है। अगर यही चीज़ आप ऊपर से नापोगे तो आपका आर्म होल टाइट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर हम चेस्ट और कमर दो चीज़ों का नाप लेंगे। चेस्ट है आपका 34, तो उसका चौथा हिस्सा होगा 8.5 इंच। अब बचा हुआ मार्जिन का जो प्रोसेस है वो ले लेंगे, 1.5 इंच लगभग मार्जिन। बॉडी से लिया गया मेजरमेंट होता तो चेस्ट पे लूजिंग भी देते, लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे। कमर का चौथा हिस्सा लेंगे, कमर का चौथा हिस्सा लेने के बाद 1 इंच का डॉट, क्योंकि ये पीछे का पल्ला है, और उसके बाद जो हमने मार्जिन लिया है सिलाई का चेस्ट पे, वही कमर पे भी लेना है, और उसके बाद इन निशानों को मिला देना इस तरह से। देखो ये निशान मिला है और उसके बाद ये वाला मिला लेना है, ठीक है। अब पीछे पल्ले को रेडी करने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें बच जाती है, एक तो गले का शेप, दूसरा आर्म होल का शेप, और तीसरा है डॉट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गले को, यहाँ पर देखना इस तरह से, ऊपर 4.25, नीचे भी 4.25, गहराई इसकी लगभग हम लोग कितनी ले लेंगे, 4 इंच की, ठीक है। ये इस प्रकार से 4 इंच निशान लेकर के इस निशान को आगे इस तरह से बढ़ा लेना है और इसको ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। तो ये एक बॉक्स बन के आएगा। यहीं पर हमको लगभग 1.5 इंच के डिस्टेंस से, 1.5 इंच नापना कैसे, इस तरह से तिरछा नापना है, ये देखो, और उसके बाद इसको ऊपर से ही राउंड लाना है। जैसे गोल गले पे हम बिल्कुल नीचे से राउंड करते हैं ना, वैसा ना करके इसको ऊपर से ही ये ऐसे राउंड शेप देना, तो ये आपका परफेक्ट बोट नेक बन के आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आर्म होल डाउन करने का प्रोसेस। तो इसको लगभग 1/4 इंच डाउन करेंगे बोट नेक होने की वजह से, सीधा मिला लेंगे ऐसे, तो ये एक तिरछा शेप आएगा। उसके बाद अंदर वाले निशान से, अंदर का जो पॉइंट बन रहा है वहाँ से 1 इंच का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, और फिर 1/2 इंच का डिस्टेंस लेंगे पीछे पल्ले के लिए। तो इसमें कौन सा काम आएगा, ये 1/2 इंच वाला, 1 इंच वाला आपका ये फ्रंट का होगा, ठीक है, जो कि अंदर वाले निशान पे मिलेगा, और ये यहाँ ऐसे हल्का सा डाउन करके ऐसे मिला देंगे। तो ये बोट नेक में आर्म होल के जो शेप्स होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम डॉट पर। पीछे पल्ले का जो डॉट है वो एकदम बेसिक रहेगा, 4 इंच लगभग यहाँ पर हम दूरी ले लेते हैं, और ऊंचाई भी लगभग उतना ही ले लेंगे, ठीक है, और इसको मिला लेंगे। 1/2 इंच ही डॉट आपका यहाँ पर लगना है, 1 इंच हमने टोटल मार्जिन छोड़ा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर डॉट लगता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कटिंग करके पूरा निकालेंगे। अगर आप लोगों को बोट नेक या किसी भी तरह के ब्लाउज की पेपर कटिंग्स मंगानी है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके पूरी डिटेल्स ले सकते हो पेपर कटिंग्स की, और कैश ऑन डिलीवरी पे 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अभी हम इसको कंप्लीट कटिंग करके निकालते हैं। ये देखो इस प्रकार से हमने इसको कटिंग किया। अभी उसके बाद क्या करना है, जैसे एक और एक्स्ट्रा पेपर लेंगे, इसको एज इट इज़ हम कॉपी करेंगे पहले, ठीक है। ये एक पेपर लिए, पीछे पल्ला पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है पहले, ऐसे रख के
देखो जब हमने नीचे ना एक पेपर रखा एक्स्ट्रा पीछे पल्ले को कॉपी करने के लिए, तो हमने मार्जिन भी छोड़ा है, आप इस बात का ध्यान रखना। मार्जिन हमने किधर छोड़ा, एक तो नीचे की साइड में और एक अपनी तरफ ये साइड वाली साइड में, दो जगहों पर हमने मार्जिन छोड़ा है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें गले का जो शेप है वो आपका एक्यूरेट आएगा, जैसे उसमें था वैसे इसमें, तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, एक साथ कटिंग करके भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि बोट नेक का टॉपिक है तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 1.5 इंच की जो दूरी है उसको बरकरार रखेंगे इस प्रकार से, और वही ऊपर से जो गोलाई देने का मैंने कहा, इस प्रकार से आप इसमें राउंड देंगे, ऊपर से बिल्कुल नज़दीक से देंगे तो बोट नेक नहीं बनेगा। आर्म होल शेप हमने सामने के हिसाब से बना लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, चूँकि हमको प्रिंसेस कट का शेप देना है, प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक तो इंपॉर्टेंट निशान होता है वो क्या होता है आपका डॉट पॉइंट। डॉट पॉइंट इसमें आएगा 10 इंच पर, तो आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा, 10.5 पर आप ये निशान लगाओगे। अब ध्यान रखना सभी ब्लाउजों में ये 10 इंच पर आएगा, 10.5 पर निशान लगाना ऐसा नहीं है, आपको ये मेजरमेंट लेना चाहिए, ठीक है, कि कितने इंच पर आपका डॉट पॉइंट आ रहा है ये आपको नापना पड़ेगा, चाहे वो पुराना ब्लाउज हो चाहे बॉडी से हो। ये अगर आप नाप ले लेते हैं तो आपके ब्लाउज के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप दोनों डॉट्स के बीच की दूरी ले लेंगे, अगर ये नाप अगर आपने नहीं लिया है तो 34 इंच चेस्ट में आमतौर पर प्रिंसेस कट के लिए 4 इंच सफिशेंट होता है, 4 इंच 4.5 इंच, इस प्रकार से आप देख करके इसको ले लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये नीचे भी वही 4 इंच वाला निशान लेंगे, फिर स्केल से इस निशान को ऐसे सीधा मिला लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर आएंगे, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट करेंगे और यहीं से हम राउंड घुमाना चालू करेंगे सिंपल अपने हाथों से, इस प्रकार से ये राउंड शेप आप दे सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह के फ्रेंच कर्व वगैरह की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें हम पफ क्रिएट करेंगे। देखो एकदम सिंपल एकदम सहज रूप में बता रहा हूँ, प्रिंसेस कट ब्लाउज में पफ क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ से 1 इंच नीचे ये इस प्रकार से निशान लेना, ठीक है, इस निशान को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये देखो इस प्रकार से। उसके बाद जैसे हम नापते हैं प्रिंसेस कट के लिए जो पफ क्रिएशन है 3 इंच 3.5 इंच, जितना भी हम छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि उतना कपड़ा आपका निकलेगा। लेकिन आपको उससे पहले एक चीज़ क्या कर लेना है, इसको 1 इंच डाउन कर लेना है, ऐसे स्केल लेंगे इस निशान को इस तरह से डाउन कर लेंगे। डाउन करने के बाद आपका बेनिफिट इसमें क्या हो जाता है, यहीं से आप मेज़र करोगे, कैसे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लो 3 इंच का पफ देना, तो ये 3 इंच अंदर डाउन वाले निशान से नापोगे और 3 इंच का ये निशान आप यहाँ लगा दोगे, ठीक है। अब उसके बाद प्रिंसेस का शेप यहाँ से आपको देना चालू करना है, ये इस टाइप से, ठीक है, ये देखिए। अब क्या होगा, इतना करने के बाद यहाँ पर आप इसको नाप के देखोगे कि कितना आ रहा है, लगभग 5.25 है ना, तो यहाँ पर भी ये 5.25 का निशान। तो इससे क्या है, जब आप पफ क्रिएट करने के लिए इसको एक दूसरे से ज्वाइंट करोगे ना, तो ये छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। इतना करने के बाद अभी वापस मैं आप लोग को रिवाइज कराता हूँ, हमने 3 इंच का पफ दिया है इसमें, ठीक है, तो ये जो 3 इंच है उसको कवर करना है साइड में। तो 3 इंच कवर करने के लिए एक बात का ध्यान देना, कैसे कवर करोगे, पूरा का पूरा 3 इंच मार्जिन देंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो पीछे पल्ले में 1 इंच मार्जिन हमने ऑलरेडी दे रखा है, जो कि इसमें ऑटोमेटिक ऐड हुआ जब हमने उसको कॉपी किया, ठीक है। अब बचा 2 इंच, तो 2 इंच को हमको देना है। अब वो 2 इंच दोनों तरफ बांट के भी दे सकते हैं, एक ही साइड भी दे सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि 1/2 इंच इधर दे दो और बाकी बचा हुआ 1.5 इंच उधर दे दो, तो इससे आपका मार्जिन का जो बैलेंस है वो बरकरार रहेगा। 50-50 नहीं बांटना, इधर बिल्कुल नॉमिनल 1/2 इंच हमेशा आप इधर ले सकते हो, बाकी पूरा बचा हुआ उधर लेना, ठीक है। अब 1/2 इंच इधर लेने के बाद बच गया कितना, 1.5 इंच, क्योंकि 2 इंच आपको टोटल देना है, 1 इंच तो पीछे पल्ले का ऐड है, तो इस तरह से मिलाएंगे। और उसके बाद एक चीज़ को और ध्यान रखना है, जब ये कटिंग होगा बीच से क्रॉस पट्टी और कटोरी, तो इसको ज्वाइंट करने के लिए भी हमको मार्जिन चाहिए, है ना, ये इस प्रकार से। तो 1/4 इंच का मार्जिन हम ऊपर की साइड में भी इसमें देंगे, ये ऐसे, और उसके बाद ये मार्जिनों को मिला लेना है। कैसे कैसे मिलेगा, देखो ये वाला निशान आपका ऊपर से इस प्रकार से मिलेगा, फिर इन निशानों को मिलाना है, यहाँ पर ये जो पॉइंट किया है उससे मिलाएंगे ताकि छोटा बड़ा ना हो, और उसके बाद इसको यहाँ से मिलाएंगे ऐसे। अब इस प्रकार से काटोगे छोटा बड़ा नहीं होगा, एकदम एक्यूरेट बैठेगा। अभी हम क्या करेंगे, पूरा इसका कटिंग करके निकालेंगे, ठीक है। और ये जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट कपड़े पर आप कटिंग कर सकते हैं, आपको इस प्रकार से फर्मा बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप पीछे पल्ला पहले काटोगे, पूरा मार्जिन वगैरह ऐड करोगे ना, तो आपको फर्मा बनाने की आवश्यकता नहीं है। और उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा जो लोग हमसे पेपर कटिंग मंगाए हैं या मंगाना चाहते हैं, आपको डायरेक्ट कपड़े पर रखना है, काटना है, कहीं किसी भी तरह की कोई भी मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको सिलाई आना चाहिए, और नहीं आता ज़्यादा सिलाई तो हमने आपकी सहूलियत के लिए वीडियोज़ भी प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि साथ में जो बुक मिलता है उसमें दिया जाता है, तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं।
ये देखो इसको एक बराबर इस प्रकार से रख के देख लेना, दोनों गले आपके बराबर बैठेंगे क्योंकि एक ही नाप पर बने हैं, एक साथ काट सकते हो, ठीक है ऐसे। उसके बाद इसको हटा के ये देखिए इस टाइप से आपको करनी है इसकी कटिंग। तो ये प्रिंसेस का आपका शेप आएगा, और इसके साथ साथ वो पीछे का पल्ला है ना, तो ये कंप्लीट आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज बन के रेडी हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की है। अस्तिन का जो कटिंग है उसको हम स्किप करते हैं क्योंकि अस्तिन सभी ब्लाउजों में एक ही तरह से लगता है, एक ही तरह से कटिंग होता है, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी दे रखी हैं। आप दिलीप टेलर स्लीव कटिंग करके सर्च करके देखोगे आपको मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।